नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। भागलपुर जिला के सनहौला प्रखंड प्रमुख अनिल पासवान का मंच पर बार बलाव के साथ डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो छठ पूजा के दौरान क्षेत्र के धुआबे गाँव में आयोजित रात्रि जागरण व ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का है, जहाँ सनहौला प्रखंड प्रमुख अनिल पासवान मंच पर डांस कर रहे हैं और ठुमका लगाते दिख रहे हैं। वीडियो में प्रमुख कई तरह के स्टेप से भोजपुरी गाने पर डांस करते दिख रहे हैं। इस संबंध में प्रखंड प्रमुख अनिल पासवान ने कहा कि हम भी मनोरंजन कर रहे थे, हम अभी बुजुर्ग नहीं हैं, यंग हैं, नाच गान हो रहा था तो थोड़ा नाच ही गए तो क्या दिक्कत हो गई। एमपी एमएलए भी नाचते हैं, उससे क्या दिक्कत हो गया। घुटने का दर्द, कमर दर्द, माइग्रेन, गर्दन दर्द के इलाज के लिए भागलपुर के नर्सिंग होम में नई पेन रिलीफ क्लिनिक की शुरुआत की गई है। इस क्लिनिक में दर्द का इलाज फिजियोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी द्वारा इंटीग्रेटेड विधि से बिना दवा के ही किया जाएगा। इस अवसर पर कोलकाता से आए सुप्रसिद्ध डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि पहले ही दिन 50 लोगों का सफल इलाज किया गया है। सभी संतुष्ट हैं। इस क्लिनिक में छोटे बच्चों से लेकर सभी उम्र के मरीजों का पेन रिलीफ संभव है। भागलपुर के नर्सिंग होम में 24 घंटे टीम रहेगी। इस अवसर पर डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर कुमार के साथ सीईओ डॉक्टर तनुश्री घोष, चंद्रकांत, सोमाश्री मलिक, काकली मजुमदार एवं नर्सिंग होम के कई स्टाफ मौजूद थे। डीलर एसोसिएशन भागलपुर जिला इकाई द्वारा अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई। इसमें जितने भी फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के डीलर थे, उन्होंने अपनी मानदेय को लेकर काफी हल्ला बोल प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, अन्य राज्यों में जन विक्रेताओं को मानदेय सुनिश्चित किया गया है, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके चलते हम लोग 1 दिसंबर से सरकार के उदासीन रवैये के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। ना अनाज लेंगे, ना ही ग्राहकों को अनाज देंगे। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम लोग अनवरत अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रखंड के जन वितरण प्रणाली के डीलर मौजूद थे। आज भागलपुर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जिला कार्यकारिणी की बैठक है। आज हम लोग 1 दिसंबर से सरकार के वर्तमान नीति के कारण 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। भागलपुर जिला के सभी विक्रेता सहित बिहार के 55,000 विक्रेता 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इस बीच में ना वो उठाव करेंगे अनाज का, ना ही वितरण करेंगे। चूँकि हमारा जो मुख्य मांग है कि हम विक्रेताओं को मानदेय मिलना चाहिए, इस पर सरकार कुछ विचार नहीं कर रही है, इसलिए हमारे बिहार फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री वरुण बाबू के आह्वान पर हम लोग बिहार के 55,000 और भागलपुर के लगभग 1500 विक्रेता 1 तारीख से हड़ताल पर जा रहे हैं। और उस हड़ताल को सफल बनाने के लिए आज जिला में हम लोग अपने 16 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के भागलपुर पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। उनके बाद अश्विनी चौबे ने प्रेस वार्ता करते हुए जमकर बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए खरी खोटी सुनाई। उन्होंने बिहार सरकार को गूंगी बहरी और लंगड़ी सरकार कहा। चौबे ने कहा, एक तरफ जहां बिहार में जहरीली शराब पीने से सीतामढ़ी में कई लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं लखीसराय में खुलेआम अपराधियों ने कई लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने बिहार सरकार को गूंगी बहरी और लंगड़ी सरकार कहा है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टीम से अब बिहार नहीं संभल रहा, उन्हें अब गद्दी छोड़ देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी वाणी काफी अभद्र हो गई है, जिसके चलते जनता उन्हें इस आगामी 2024 के चुनाव में गद्दी से उखाड़ फेंकेंगी। कुछ लिख रहे हैं और लिख रहे हैं, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन सरकार की आंख, कान, नाक वो पूरी तरह से न उनको बहरी है, लंगी है, लुल्ली है, लंगड़ी है, क्या कहा जाए, कौन सी भाषा का उनके बारे में इस्तेमाल किया जाए कि राज्य सरकार बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, पैरालिसिस हो गया है बिहार सरकार को, पैरालिसिस के शिकार हो गए हैं। उतना ही नहीं, 990 की उस भयावह स्थिति में बिहार फिर से
पहुंच गया। ये दोनों जो कांग्रेस और राजद के गोद में बैठ करके ये पलटू कुमार जी बार बार पलट रहे हैं, और उधर सल्टू राम, उधर उल्टू राम, इधर पलटू राम, पलटू राम, उल्टू राम और सल्टू राम में बिहार फंस गया है। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।